हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रही हमारी टीवीएस जुपिटर की जो कि अभी ये दिवाली ऑफर चल रहा है, तो ये गाड़ी परचेस करके लाया यार, जो कि 125 सीसी की बाइक है। अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये रहा इसका मीटर जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग। देखो गाइस, क्या मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी टीवीएस जुपिटर जो कि 125 सीसी की है। तो इसका पहले लुक देखो गाइस आप लोग। तो ये रहा हमारा फ्रंट, एकदम फ्रंट देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिवा जैसा ही है, बट ये टीवीएस कंपनी की बाइक है यार। और देखो इसका लुक कैसा है, इसकी जो सीट्स है ना एकदम स्ट्रेट है, वो बहुत अच्छा है। और ये जो कलर है हमारा ब्लू एंड ब्लैक कलर में है, ग्लॉसी कलर है और बहुत अच्छा है दिखने में, बहुत प्यारा और स्वीट है। तो ये देखो इंजन यहाँ पर, ठीक है। और ये रहा इसका बैक साइड, बैक साइड में इसको देखो सिंगल टेल लैंप दिया गया है, बल्ब वाला है, ठीक है। अभी ये येलो प्लेट पे है, अभी नंबर इसका नहीं आया गाइस। तो ये देखो पूरा, और यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस दिया गया है यहाँ पर कुछ भी सामान रखने के लिए भी, ठीक है। और ये रहा इसका फ्रंट जो कि मीटर है सेमी एनालॉग डिजिटल। देखो गाइस, इसको ऑन करने के बाद इसमें यहाँ पर आपको पूरा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और देखने में यार बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त है मालूम। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और कितना आपको एवरेज देगी यहाँ पर पूरा मिलेगा आपको। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, जो कि हमारा फ्यूल कम है बल्कि ट्रिप एफ बोलकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो मीटर है एकदम अच्छा है, आराम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एनालॉग भी है, प्लस यहाँ पर इंजन का कितना कब कब एवरेज करना है, और यहाँ पर इको और पावर मोड दो भी बताएगा। अगर आपको अच्छे से माइलेज निकालना है इस गाड़ी से तो इको मोड पे चलाइए, अगर आप पावर में चलाएंगे तो थोड़ा सा माइलेज डाउन होगा आपको बताएगा। देखो यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर, यहाँ पर स्टैंड खोलो आप, देखो यहाँ पर एक लाइट आई है और एक साउंड भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी अगर साइड स्टैंड पर है तो साउंड आएगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, फ्रंट में आपको यहाँ पर एक की होल मिलेगा जहाँ पर आपको पूरा सिस्टम दिया गया है नेविगेट करने के लिए। जैसा कि हमारी जो सीट है ये वाली सीट, सीट को कवर अगर ओपन करना है तो यहीं पर है। और दूसरा हमारा पेट्रोल के लिए फ्यूल लिड जो है ना यहाँ पर फ्रंट में दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि कहीं पर भी पेट्रोल पंप पर अगर गए आप तो पेट्रोल डालने के लिए बहुत आसानी से यहीं से कर सकते हैं। क्योंकि एक्टिवा में क्या था मालूम, ये पूरी सीट उठाकर उसके अंदर से पेट्रोल डालने के लिए सब जो बैठे वाले सबको उतार कर लगा कर फिर बंद करके फिर जाना, मतलब वो बहुत परेशानी वाला था। लेकिन टीवीएस वालों ने एक अच्छा सा जुगाड़ निकाला है जो कि फ्रंट में दिया है टीवीएस का जो पेट्रोल फ्यूल लिंक। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है मालूम, तो मैं अभी आपको खोल कर बताऊँगा कैसे काम करता है ये। और दूसरा क्या है मालूम, यहाँ पर फ्रंट में आपको यहाँ पर टाइप USB आपको चार्जर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। और 2 लीटर का आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कुछ भी सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया है फ्रंट में। अभी मैं क्या करता हूँ मालूम, आपको पूरा ये पर बताऊँगा ये कैसा काम करता है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी TVS की। और यहाँ पर आपको अभी बोला ना कि ये पूरा ऑल इन वन सिस्टम दिया गया है और थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये रही हमारी की, इसको इग्निशन में लगा दिया। अभी इसको अगर राइट करेंगे तो ये हो गई हमारी जो TVS गाड़ी है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसको लेफ्ट करेंगे तो ये ऑफ, ठीक है। और इसको अगर आपका सीट जो कवर है इसको अगर खोलना है, इसको एकदम से आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये सीट खुलेगा, ठीक है, इसके अंदर जो बूट स्पेस है हमारा 33 लीटर का है, 2 हेलमेट आप लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है इस गाड़ी में। और यहाँ पर देखो, अगर 2 हेलमेट लगाने के बाद अगर ऊपर लग रहे ना तो यहाँ पर अच्छी सी अंदर से स्पेस दिया, ताकि जो 2 हेलमेट है ना आपके यहाँ से आराम से फिक्स हो जाए यहाँ पर अपनी बूट स्पेस पे, ठीक है। तो ये रही सीट। और सिस्टम बताऊँ आपको यहाँ पर, इसको पेट्रोल का जो हमारा फ्यूल का लिड है ना, इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्सफुली आप क्या करिए, राइट टर्न करिए, तो ये आपका जो लिड है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है यहाँ पर, तो इसको भी करता हूँ बंद। और एक आपको यहाँ पर एक हुक दिया गया है, जहाँ पर भी आप कुछ भी परचेस करें तो आप यहाँ पर अपना पॉलिथीन या जो भी है यहाँ पर आप लगा सकते। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है इस TVS जुपिटर की स्कूटर में। और साथ ही साथ आपको फ्रंट में
आपको हॉर्न वगैरह मिलेगा, इसको ऑन करके आपको बताऊंगा इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है। हॉर्न जो है हमारा अच्छा है यार, सिटी के लिए तो बेस्ट है, अच्छा है। और ये रहे हमारे इंडिकेटर के स्विचेस और ये पास स्विचेस, और यहाँ पर आपको एक सिस्टम दिया गया है, और ये है इंजन इग्निशन, और ये जो है हमारा, अभी बताता हूँ, अगर आप लोग सिग्नल पर कहीं पर भी ठहरे तो गाड़ी क्या होती है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती, फिर आपको स्टार्ट करना है तो इसको ब्रेक पकड़कर खाली थोड़ा सा रेस देने पर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका जो फ्यूल का एवरेज है वो अच्छा आएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रंट में आपको एकदम एक्टिवा जैसा लुक मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक हेडलैम्प मिलेगा और वाइजर भी मिलेगा, और जो हमारा हेडलैम्प है वो फुल LED सिस्टम है। अभी देखो ऑन करेंगे तो ये देखो यार, बहुत ज़्यादा और बहुत शार्प LED हेडलाइट है इसकी, बहुत अच्छी वाली है। और फ्रंट में भी आपको दो DRL मिलेगा LED, और साथ में इसमें दो बल्ब भी मिलेंगे जो इंडिकेटर्स के लिए है, और जो हमारे एंट्रेंस के लिए, देखो यहाँ पर LED के जो DRL है वो बहुत अच्छे दिखते हैं सामने से, फ्रंट में अगर आप ये गाड़ी देखेंगे तो। बट एक तरफ से देखा गया तो ये होंडा एक्टिवा जैसी दिखेगी, बट वैसी गाड़ी नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। और इसका जो इंजन है ना, एकदम स्मूथ और इतना प्यारा से चल रहा था, मैं एक बार चलाया ना इसको, गाड़ी चलाने के बाद भाई मेरा तो मतलब मैं एकदम अट्रैक्ट हो गया गाड़ी से। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि ओल्ड एज रहते हैं, और साथ ही साथ जो गर्ल्स रहते ना, जिसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ और शांत चले गाड़ी, बोले तो ये वैसी गाड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी है ना, इसका इंजन वगैरह बहुत अच्छा है और ज़्यादा पावरफुल नहीं है, डराने के लिए जो लड़कियाँ रहते और ओल्ड एज रहते ना, उन लोगों के लिए बेस्ट है ये गाड़ी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो ग्रैब रेल में आपको एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। अभी देखो थोड़ा सा शेक हो रही है गाड़ी, बट जब मैं इसको चला रहा था शेक नहीं हो रही थी, बट चलने में बहुत प्यारी और अच्छी है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको जो भी सिस्टम, मतलब ये मेटल दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लास्टिक दिया गया है, और फ्रंट में आपको बताऊं, फ्रंट में भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक दिया गया है और यहाँ पर मेटल दिया गया है। तो जहाँ पर भी अगर आपकी गाड़ी वगैरह गिरेगी तो गाड़ी संभालने के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको मेटल दिया गया है, ठीक है। हाँ तो गाइस, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिला है इस बाइक में, और साथ ही साथ आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिले हैं। तो ये देखो गाइस, एकदम अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे हैं इसके अलॉय व्हील। और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, जो कि अच्छी बात है यार, क्योंकि आजकल क्या है, कोई भी सडनली सामने आया तो डिस्क ब्रेक होना बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा फ्रंट में, और बैक साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन है यहाँ पर ये भी, और ये 3-स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलेगा यहाँ पर बैक साइड में, ठीक है। और बैक में भी आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगा। तो ये गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा मुझे इसका स्टैंड लगा, जब इसको मैं स्टैंड पर, सेंटर स्टैंड पर लगाया ना, तो ज़्यादा वेट मेरे को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये आराम से सेंटर स्टैंड पर आ गई। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको इसको जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, तो ये गाड़ी में ना एकदम बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, वो देखो, ये देखिए बिना आवाज़ के ये गाड़ी स्टार्ट होती है, तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। क्योंकि दूसरे जो गाड़ी रहती है, जैसे कि एक्टिवा है, दूसरे कंपनी की गाड़ी है, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो एकदम एक अलग ही नॉइस आती, जो मेरे को इरिटेटिंग लगती, बट इस गाड़ी का जो इंजन स्मूथ रहने से, इसका जो इग्निशन है उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको इसमें एक इंटेलिगो टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो अभी मैं आपको बताया था कि इसका जो फ्यूल एवरेज को कैसा बढ़ेगा, तो अभी इसको ऑन करा है, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ, ये स्टार्ट हो गई यार, स्टार्ट होने पर ना बिल्कुल साउंड ही नहीं आता, वो बहुत अच्छा है। तो अभी जैसा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे, ठीक है, अभी कहीं सिग्नल आ गया, सिग्नल पर आकर आप थोड़ी देर रुके, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो कि सिग्नल आ गया, अभी रुक गया मैं, अभी सिग्नल के लिए वेट कर रहा हूँ, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिक ये गाड़ी को क्या है, ऑफ़ कर देगी, जिसकी वजह से आपका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा आएगा। तो देखेंगे अभी कैसा काम करता है। अभी मैं मान लो कि मैं सिग्नल पर ठहरा हूँ, लेट्स सी कितना टाइम लेती है ऑफ़ होने के लिए। ये हो गई गाड़ी हमारी ऑफ, मतलब आप जब भी ज़्यादा देर सिग्नल पर अगर ठहरेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी ऑफ हो जाएगी। तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखो ये पकड़ा मैं ब्रेक, फिर इसको थोड़ा सा रेस दिया, अभी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, वाओ मस्त है भाई गाड़ी, तो मज़ा आ गया ये गाड़ी चलाकर, और चलने में भी बहुत प्यारी है और स्मूथ है यार, इसका जो सस्पेंशन वगैरह है इसके बहुत अच्छे है और प्यारी गाड़ी है। अभी देखो चलाऊँ थोड़ा, भगाओ, वाओ मस्त है।
अच्छी यार, सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग अगर बैटरी की बाइक खरीदना चाह रहे हैं ना, तो मेरे लिए मतलब मैं उन लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई बैटरी की जो बाइक रहती है उसको बिल्कुल आप परचेस ना करें। इस टाइप की बाइक परचेस करें जो कि एकदम अच्छी रहती है गाड़ियाँ, क्योंकि फ्यूल पर चलने वाले ज़्यादा दिन आपको सर्विस देंगे। बैटरी के बाइक्स कैसे रहते मालूम, यूज एंड थ्रो रहते, वो एक बार चला लिए उसके बाद फेंक दो बोलकर वैसा गाड़ियाँ रहते। फ्यूल के जो गाड़ियाँ रहते वो बहुत प्यारे और ज़बरदस्त रहते और ज़्यादा दिन आप लॉन्ग लास्टिंग इसको यूज़ करते। अगर आपको सेल करना है तो इसका सेल वैल्यू भी मिल जाती, तो वो एक अच्छी बात है पेट्रोल के गाड़ियों में। ठीक है, अभी देखो मैं चलाकर आपको बता रहा हूँ। और ये कहीं पर भी आप, जैसा कि स्ट्रीट हो या गली हो, कहीं पर भी आप आराम से चला सकते हैं। इसका शॉक अब्जर्वर वगैरह बहुत अच्छे है और सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, तीन लोग भी आप बैठ सकते हैं। स्ट्रेट सीटिंग है इसकी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इसको बैठने पर देखो आराम से बैठ सकते हैं आप। 5.9 इंचेस की हाइट है मेरी, तो आराम से बैठ सकते हैं। और एक दो और तीन लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। एकदम फ्लैट सीट है इसकी और कुशनिंग वगैरह अच्छी है। ठीक है, और ये जो हमारे जो मिरर्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे हैं आपको बैक साइड का व्यू करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो फैमिली ओरिएंटेड गाइज है, जो भी फैमिली के लिए गाड़ी अगर चाह रहे ना, तो ये स्कूटर उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा इस बाइक के बारे में, सॉरी इस स्कूटर के बारे में, तो गाइस भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय।